नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामनिवास चोपड़ा है। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को दोस्तों। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो को। हमारा वीडियो अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों शुद्ध पानी के लिए युद्ध। उदयपुर में दूषित पानी की सप्लाई के बाद लाइनमैन से भिड़ी महिलाएं, कहा तुम्हारी वजह से गटर का पानी पीने को मजबूर। जलदाय विभाग के लाइनमैन से लड़ती ग्रामीण महिलाएं। उदयपुर में तापमान बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत की समस्या भी बढ़ने लगी है। शहर से सटे बेदला गांव में पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया दोस्तों। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने जलदाय विभाग के लाइनमैन को घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। जलदाय विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। बेदला की रहने वाली लीला डांगी ने कहा कि पिछले लंबे वक्त से जलदाय विभाग पेयजल आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। विभाग द्वारा कुछ वक्त के लिए पानी की लाइन शुरू की जाती है, लेकिन उसमें भी गटर का पानी, दूषित पानी आ रहा है, जो ना पीने योग्य है और ना ही किसी और काम के उपयोग लायक, जिसकी वजह से अब कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमें दूर दराज से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके लिए सिर्फ जलदाय विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो इस विकट परिस्थिति में हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दूषित पानी को लेकर विरोध करते ग्रामीण। बेदला में पेयजल आपूर्ति को लेकर बढ़ते विरोध के बाद बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया। उप प्रधान राठौड़ ने बताया कि पिछले लंबे समय से स्थानीय निवासी पानी की किल्लत को लेकर बहुत परेशान है, जिसकी शिकायत जलदाय विभाग के जयन दिव्या बंसल से लेकर आला अधिकारियों तक की गई है। बावजूद इसके अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसकी वजह से बेदला के बासिंदों को गर्मी में दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं दोस्तों। तो पानी की बहुत समस्या है दोस्तों। पानी के लिए दूर दूर तक लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए, और वो भी पानी जो सप्लाई करते हैं वो भी गटर का गंदा पानी है, तो कैसे पियेंगे लोग। तो इसके लिए यही है दोस्तों। और बने रहिए हमारे साथ दोस्तों और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद।